सोचता हूँ आज के छोटे हमारे पास एक ये छोटी वाली टीवी है, किस कंपनी के मैं देख लेता हूँ। तो ये अपनी जुपिटर कंपनी की सीआरटी टीवी है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ऐसा है कि दिमाग को हिला डालेगा आपका, तो कितना हिलाता है आप सब मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज मैं आपको फॉल्ट नहीं बताऊँगा कहाँ से था, ये आज फॉल्ट दिखाऊँगा और आप सब कमेंट करके बताइए कि ये फॉल्ट यहाँ यहाँ से हो सकता है। कोई भी इसमें डरने वाली बात नहीं है कि मैंने गलत बता दिया, जो आपके मन में आता है सो बोल दीजिए, ठीक है। तो बाकी इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो में आएगा मैं आपको बता दूंगा फॉल्ट कहाँ से था। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सबका ध्यान कहाँ तक जा सकता है इस फॉल्ट में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसको भी कमेंट करना न भूलें। तो ठीक है, चलिए हम लगाते हैं पावर में। तो हमने लगा लिया अपना पावर और इसको करते हैं ऑन टीवी को। सबसे पहले तो टीवी देख लीजिए, और हालांकि इसका वीडियो मैं आज ही बनाऊंगा फॉल्ट का, क्योंकि कस्टमर को देना पड़ेगा बनाकर टीवी को। तो मैं आज ही वीडियो उसका बना लूँगा, आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक पार्ट टू का। फ़िलहाल आप देखिए फॉल्ट कैसा है। इसको मैंने ऑन किया, पावर की लाइट जल चुकी है, और देखिए डिस्प्ले किस तरह से आता है, ये देख रहे हैं। जो सब लिखा हुआ है ये तो जो लपलपाने वाली चीज़ है बात दूसरी है, सब टीवी में होता है रेडिएशन वजह से। लेकिन जो ये लिखावट देख रहे हैं आप सब, थोड़ा सा लाइट कम करता हूँ, हो सकता है उसकी वजह से ये लपलपाहट कम हो जाए। तो देखिए मैंने लाइट ब्राइटनेस कम की है तो थोड़ा सा कम हुआ, और लेकिन ये आप कमी देख सकते हैं, जैसे इसमें बिंदी बिंदी सब बन रहा है और कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये समस्या है, और सर्किट को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, और देखने के बाद आप सब अपना गेस करिए आखिर कहां कहां से ये फॉल्ट हो सकता है, क्या ख़राब है, एसटी ख़राब है, क्या ख़राब है। मतलब मैं आपको आज इस वीडियो में नहीं बताऊँगा क्या ख़राब है, बस आपको बताना है। देख लीजिए सर्किट को अच्छी तरह से ध्यान से, और आप सब कमेंट करिए, मैं आपको पूरी तरह से आज सर्किट दिखा देता हूँ। जो कुछ लगे आप सबको सो कमेंट करिए, ठीक है। सर्किट बिल्कुल मैंने साफ कर दी है, छोटा सा फॉल्ट है बिल्कुल दोस्तों, ये बारीक सा जो काफ़ी परेशान कर डालेगा आपको भी, ठीक है। कुछ लीकेज वगैरह तो दिख नहीं रहा है आपको भी, और मुझे भी कुछ लग रहा है देखने में ऐसा कि लीकेज हो, ठीक है। ये देखिए मैंने जूम किया, हालांकि मोबाइल फ़ोन दूसरा है इसलिए क्लियरिटी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, देख सकते हैं। तो सर्किट आप पूरी देख चुके हैं, पीछे से पीसीबी को मैं पलट देता हूं, पीछे से पीसीबी बिल्कुल क्लियर है, ऐसे तो पूरा नहीं पलटा जा रहा है लेकिन ठीक है, वायर सभी जैक लगे हुए हैं। तो आप सब मुझे बस ये कमेंट करके बताइए कि ये फॉल्ट कहां से हो सकता है, ठीक है। बाकी तो इसको मैं सही करने जा रहा हूं, और इसका आपको सही करने का वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। पार्ट टू के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए।